माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी डीक्यू अपॉन डीटी, इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं स्टूडेंट, तो घर में बैठे रहते 24 आवर्स। माइनस ओमेगा सी डी नॉट कॉस ओमेगा, ये माइनस बाहर आ गया, ओमेगा सी डी नॉट कॉस ओमेगा टी, पहले नॉट कर दो तुम लोग, हो गया सर। ओके ये ग्रीन कर रहा हूं मैं, डीक्यू अपॉन डीटी इक्वल टू आई माइनस ओमेगा सी वी नॉट, इसको साइन में कन्वर्ट करना है, सॉरी माइनस नहीं आएगा, ओमेगा सी वी नॉट कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा, साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी इक्वल टू कॉस, हमने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ आई इक्वल वी नॉट ओमेगा सी को कैन बी रिटन एट वन अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये करंट के इक्वल है, वोल्टेज के नीचे आई इक्वल होता है वी अपॉन आर इन जनरल केस, इट मींस ये रेजिस्टेंस आई इक्वल वी अपॉन आर, आई इक्वल वी नॉट अपॉन आर, इट मींस ये रेजिस्टेंस है, तो कैपेसिटर करंट के फ्लो में, कैपेसिटर करंट के फ्लो में चार्ज के फ्लो में जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, उसका ये फॉर्मूला आ गया 1/ω, दिस इज कैन बी रिप्रेजेंट एज x नॉट r, इसको r से रिप्रेजेंट नहीं करते x से, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय एक्सी, एक्सी को अपन रीड करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कैपेसिटर चार्ज के फ्लो में कितना हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वी नॉट अपॉन आई सी आई पीक वैल्यू ऑफ करंट प्लस दिस इज इक्वेशन सेकंड थर्ड, और वेयर आई नॉट इक्वल V not upon X. I not equal V not upon X. Yes, sir. I not peak value of alternating current. तब ये करंट का है। ये करंट का फॉर्मूला आ गया। Yes, sir. Okay. Yes, तो क्या इधर कार अपना B का फॉर्मूला था B नॉट साइन ओमेगा, C सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज B नॉट साइन ओमेगा टी, और कैपेसिटर के ऊपर यही नॉलेज होती है, और करंट इतना फ्लो हो रहा है C सर्किट में, ए
इट मींस करंट लीड कर रही है वोल्टेज को बाय पाई बाय टू एम। ये पाई बाय टू है प्लस में, इट मींस करंट लीड टू अल्टरनेटिव वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय टू। क्या ये कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग बिहाइंड टू करंट बाय फेस एंगल पाई बाय टू। ये लैग बिहाइंड है करंट से और करंट इसको लीड कर रही है, कितने एंगल से पाई बाय टू। तो लिखो इट इज क्लियर। It is clear. From equation first and third, in C circuit, in C circuit. Alternating current lead to alternating voltage by phase angle pi by 2 by phase angle pi by 2. Yes sir. In other words, alternating voltage lag behind to alternating current by phase angle pi by 2। अब हम साइनसोइडल और फेजर डायग्राम स्केच करेंगे। ये वोल्टेज क्या है? यहां वोल्टेज जीरो पर है। जब वोल्टेज जीरो पर होगी तो करंट अनिल यस सर, यहां वोल्टेज का हमने ग्राफ स्केच किया, वोल्टेज यहां पर है जीरो पर, तो एट दैट टाइम करंट कहां पर होगी? जब वोल्टेज जीरो पर है तो करंट की पोजीशन क्या पर होगी? कनिष्का कनिष्का अरे भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, अब तक तो जरूरी है 180 और ये 270। अगर ये 180 पे है कौन करंट, तो ये किस पे है? 90 पे वोल्टेज, वोल्टेज 90 पे है, करंट 180 पे, वोल्टेज 180 पे, करंट 270 पे चली गई। वोल्टेज जीरो पर है तो करंट किसपे है? 90 डिग्री पे। यही तो 90 डिग्री लीड कर रही है। सर तो करंट को, सॉरी वोल्टेज को, ये हमारा आई का हो गया, ये टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर,
Now, this is called sinusoidal diagram for C circuit. Now, phasor diagram. कोई भी एक टाइम ले लो ये टाइम इस टाइम के ऊपर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ये वाली और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट दैट अब आप लोगों को पता है कि करंट लीड कर रही है वोल्टेज ये भी था करंट लीड कर रही है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री इसको 90 डिग्री थोड़ा लेट ऐसे दिखाएं ये आ गया और ये 90 डिग्री क्योंकि लीड कर रही है वोल्टेज को उसे आगे दिखाएंगे अपन करंट 90 डिग्री ये ओमेगा है ये वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट तो यहां से कर देंगे अपन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आई पर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो इट मींस ये इसको कहते हैं क्या अपन v इक्वल v नॉट साइन दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम फॉर सी सर्किट फेजर डायग्राम फॉर सी सर्किट और दिस इज साइनसोइडल डायग्राम फॉर सी सर्किट साइनसोइडल डायग्राम फॉर सी सर्किट इसको स्केच करो यस सर ओके सर ओके यस सर अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स है सॉरी एक्स इक्वल वन अपॉन ओमेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इक्वल वन अपॉन ओमेगा सी एक्स इक्वल वन अपॉन टू पाई एक्स सी एक्स प्रोपोर्शनल वन अपॉन यानी रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ट्रिकपर सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर फ्रीक्वेंसी और एक्स सी के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा आएगा इससे क्या रिजल्ट निकला कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी यानी एक कैपेसिटर है ये कोई कैपेसिटर है और ये एसी सोर्स है उससे कनेक्ट है इससे
राहुल, राहुल बताएगा। राहुल, राहुल नैना, यस सर, अगर इस कैपेसिटर को अपन यूएसए में ले जाएं, अभी ये इंडिया में है और उसको हम यूएस में ले जाएं, तो एक्सचेंज रेट का इफेक्ट आएगा। सर डिक्रीज हो जाएगी भाई, जो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज भी तो हो सकती है और नो चेंज भी हो सकता है। हाँ सर। अरबन सर सेम रहेगा क्या? सेम रहेगा, नो चेंज सेम रहेगा। मेहुल सर सेम ही रहेगा। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है एसी की वो 50 हर्ट्ज 10th क्लास में ही पढ़ाते हैं। अगर 10th क्लास को ढंग से इंजीनियरिंग की हो तो उसमें बताते हैं कि अपने इंडिया के अंदर डोमेस्टिक एसी जो आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंडिया में, बट यूएसए में वो नहीं दिखता। अच्छा ये तो तुमने बट यूएसए के अंदर जो एसी प्रोड्यूस होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 68 हर्ट्ज, यानी दिखता वो भी नहीं दिखता, यानी 68 हर्ट्ज वहां जो एसी प्रोड्यूस हो रही है यूएसए में वो 60 हर्ट्ज की होती है। अपने इंडिया के अंदर की अपने जो घर में अपने हाउस में जो एसी आ रही है जिसका तुम डेली यूज कर रहे हो वो 50 हर्ट्ज की, इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 100 की है और वहां 60 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा? मैंने कहा सही है बट उसने मुटके में मारा। तो यही अगर कैपेसिटर, बोल बोल सर, तुक्का नहीं मारा था ये, आपने बताया था ना कि एक्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज है तो अच्छी बात है। तो 60 हर्ट्ज होगी वहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर कैपेसिटी और रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये कैपेसिटर कम हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा इन यूएस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर विद एसी और डीसी। हम एसी को डीसी भी कनेक्ट कर रहे हैं और एसी से भी कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर जो होगा वो डीसी के साथ कैसा होगा और एसी के साथ कैसा होगा? डीसी का सिंबल ऐसा होता है, एसी का सिंबल ऐसा होता है, यू नो डीसी और ये एसी, डीसी सिंबल एसी सिंबल। कैपेसिटर वही कैपेसिटर है, डिफरेंट कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर वही है। अब इसका बिहेवियर अपन को समझना है एसी और डीसी के साथ, एसी के साथ इसका बिहेवियर कैसा होगा, डीसी के साथ बिहेवियर कैसा होगा। यू नो एक्स इक्वल 1/2 पाई एक्स, यू नो एक्स इक्वल 1/2 पाई एक्स फर्स्ट। फॉर डीसी
as it was zero. DC कोई frequency नहीं होती, does not change with time. ये time के साथ change नहीं होती. Time equal zero, इसकी frequency zero होगी, और frequency zero होने से x equal very very important results. DC में काम ही नहीं करता, इसमें current flow नहीं होती, क्योंकि infinity resistance provide करवाता है. Capacitive reactance infinity. It means इसमें current pass नहीं होती. कौन सी? DC. Don't get that. क्योंकि उसके लिए infinite resistance provide by the capacitor for DC. तो इसमें DC flow नहीं होती. But for AC, अभी बताया 50 वोल्ट आपके अपने इंडिया में तो कम नहीं है, मोर है, F की वैल्यू मोर है, कम नहीं है. और F जब मोर हो जाएगा तो C क्या हो जाएगा? लेस. इसका मतलब ये AC के लिए लेस रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है. Less resistance, reactance means resistance, hindrance. AC के लिए less resistance provide करता है, इसके अंदर इस AC easily flow. यानी एक ही capacitor AC और DC के लिए उसका जो behavior है वो different. DC के लिए produce infinite resistance और for AC के लिए less. It means इसमें DC flow नहीं होती और AC easily हो जाती है. इसमें कैपेसिटर और जो इंडक्टर था, इससे पहले वाला जो टॉपिक था इंडक्टर, उसमें अपोजिट था. उसमें डीसी इजीली अलाउ हो रही थी और एसी क्या था, प्रोविडेड थी. वो एसी को फ्लो नहीं करता, डीसी को फ्लो करता है. और कैपेसिटर एसी को फ्लो करता है, डीसी को बैंक. ये तुम नॉट हो गया सर. ओके. यस सर. यस.